बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा, अगर आप लोग अपने घर की दीवारों के ऊपर वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप लोगों का कितना खर्चा जो है वो आ सकता है। सिंपल सी वीडियो होगी जिसके अंदर आप लोगों को सिंपली तरीके के बारे में बता देंगे कि आप लोगों का दीवार के ऊपर या एक कमरे के अंदर आप लोगों का इतना खर्चा जो है वो आ सकता है। एक्चुअली दीवारों की आरइश के लिए वॉलपेपर का इस्तेमाल कोई नई चीज नहीं, ये रुझान लंबे अरसे से चला आ रहा है। वॉलपेपर में एक एक्चुअली हिफाजती तय होती है जो दीवारों को ना सिर्फ नमी से महफूज रखती है बल्कि वाटरप्रूफ भी बना देती है। अगर इन पर कोई दाग धब्बा फॉर एग्जाम्पल अगर लग भी जाए तो भी आसानी से आप लोग उसे साफ कर सकते हैं। वॉलपेपर डिजाइनिंग का एक अहम जुज और घर की अंदरूनी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। याद रखिए कि प्लास्टर के ऊपर डायरेक्ट वॉलपेपर नहीं लगाना चाहिए। वॉलपेपर के लिए प्लास्टर पर पहले वॉल पट्टी कर लें ताकि दीवार बिल्कुल स्मूथ हो जाए या बिल्कुल मुलायम हो जाए, फिर उसके ऊपर अगर आप लोग वॉलपेपर लगाएंगे तो वो बहुत ही जबरदस्त लगेगा, बहुत ही स्मूथ लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोग अपनी दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं तो 5 साल तक इन्हें कुछ भी नहीं होता और इसकी एहतियाती तदाबीर सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कोई तेज धार वाली चीज जो है या कोई नुकेली चीज जो है वो इसके ऊपर ना लगे। अगर कोई नुकेली चीज या कोई तेज धार वाली चीज इसके ऊपर नहीं लगती तो आपका जो वॉलपेपर है वो 5 साल तक बिल्कुल जबरदस्त रहता है और उसके ऊपर कोई जो नुकसान है या कोई फट जाता है इस तरह का कोई चीज भी जो है वो नहीं आती। तो जबरदस्त चीज है अगर आप लोग अपने घरों की दीवारों के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं। तो अब बात करते हैं कीमत की, अगर आप लोग अपनी दीवारों के ऊपर वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। अगर आप लोग 10x10 की एक दीवार जो है उसको बनाते हैं और उसके ऊपर आप लोग पेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर आप लोग पेंट करते हैं तो अगर आप लोग 3 दफा कोट करते हैं उस दीवार के ऊपर तो आपका फॉर एग्जाम्पल खर्चा आता है 10,000 रुपए। तो अगर आप लोग सेम वॉलपेपर लगाएंगे उस दीवार के ऊपर 10x10 के ऊपर तो आप लोग का 12,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, यानी कि 2,000 रुपया एक्स्ट्रा आप लोग का खर्चा जो है वो आ जाएगा। मैंने आपको ये सिंपली एक मेथड बताया है। तो ये अगर आप लोग एक कमरे के अंदर वॉलपेपर लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का 7-8 हजार के अंदर एक अच्छा जो वॉलपेपर है वो इजिली जो है वो लग सकता है अगर आप लोग उसको खुद लगाते हैं। अगर आप लोग किसी मिस्त्री से यानी कि जो इस काम के अंदर माहिर है उससे लगवाते हैं तो आपका खर्चा जो 10,000 तक आ सकता है। इसके अलावा पीवीसी शीट के बारे में भी आप लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे कि अगर आप लोग पीवीसी शीट जो अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसका आप लोग को कितना खर्चा जो है पे करना पड़ेगा। एक्चुअली पीवीसी शीट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड भी मान चुका है और खासतौर पर घरों के अंदर पीवीसी शीट जो है वो कामयाब भी है, खासतौर पर बैठक के अंदर या आप लोग के बैठने की जगह अगर आप लोग उसके अंदर पीवीसी शीट यूज कर लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त चीज है और बहुत ही अच्छा गुड लुक लगती है और आपका जो कमरा है वो बहुत ही वेल डेकोरेटेड लगता है। एक वॉलपेपर उससे भी आप लोगों का कमरा अच्छा लगता है और उसके बाद जो आ जाती है पीवीसी शीट, तो आप लोग पीवीसी शीट भी लगाकर अपने कमरे को खूबसूरत बना सकते हैं। तो सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है, अगर आप लोगों का 10x10 का एक कमरा है या एक दीवार आप लोग काट लें जिस तरह भी आप लोग समझ लें तो उसके अंदर अगर आप लोग वॉलपेपर लगाते हैं तो 10,000 तक आप लोग का जो वॉलपेपर है वो लग जाएगा। तो इसी तरह अगर आप लोग पीवीसी शीट लगाते हैं अपने घर के अंदर तो उसके ऊपर आप लोगों का खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा लेकिन बहुत ही जबरदस्त आप लोगों का जो माहौल है वो देखने को बन जाएगा और आने वाले दोस्तों के लिए या आने वाले मेहमानों के लिए बहुत ही दिलकश लगेगा। तो अगर आप लोगों का 10x10 का एक कमरा है तो उसके अंदर अगर आप लोग अपनी पीवीसी शीट लगाते हैं तो मैक्सिमम आप लोगों का खर्चा 15,000 तक आ सकता है और बहुत ही वेल डेकोरेटेड आप लोगों का वो कमरा जो है वो बन जाएगा। तो लाहौरी अब 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियोज है वो लेके आता रहेगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आप लोगों ने अपने घरों को किस तरह बेस्ट बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।